हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ब्लॉगर ब्लॉग पर बने वेबसाइट में लोगो कैसे सेटअप किया जाता है और पिक्सल लैब में मोबाइल से लोगो कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में पिक्सल लैब ऐप डाउनलोड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे मैंने पहले ही जो है इसे डाउनलोड कर रखा है। तो अब हम लोग चलते हैं पिक्सल लैब में, पिक्सल लैब ऐप ओपन करते हैं। इस तरीके से मैंने पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले इमेज साइज सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वेथ जो है 1280 है और हाइट जो है 1280 है। तो हाइट को जो है चेंज कर देना है, इसे घटाकर 347 कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से मेरा इमेज साइज छोटा हो गया। अब मुझे अपने इमेज साइज में कलर फिल कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारा कलर है, तो मुझे इसमें वाइट कलर फिल करना है। इस तरीके से मैंने इसमें वाइट कलर फिल कर दिया है। अब टेक्स्ट लेना है। मेरा ब्लॉगर वेबसाइट का नाम है DNKV पॉपुलर। तो सबसे पहले मुझे DNKV लिखना है, DNKV। इस तरीके से मैंने DNKV लिख लिया है। अब इसको जो है इसमें फॉन्ट ले लेना है। जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है वो फॉन्ट ले सकते हैं। तो मैं इसमें ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, DNKV पॉपुलर। अब इसके साइज को बड़ा कर देना है। साइज को बड़ा करके लगभग 100 कर देना है। उसके बाद अब मुझे फिर नया टेक्स्ट लेना है और उसके बाद जो है पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर नया टेक्स्ट लिखना है, पॉपुलर। इस तरीके से मैंने पॉपुलर लिख लिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से मेरा नया टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं सबसे पहले इसके फॉन्ट को चेंज करता हूँ। तो इसमें जो है ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद ओके पर साइज सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने इससे पहले DNKV का साइज जो है 100 लिया था, तो इसका भी साइज जो है लगभग 100 ही लेना है। देख सकते हैं 100 प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो 101 ले लेता हूँ। उसके बाद इसके साइज को जो है एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर दिया। अब सबसे पहले DNKV पॉपुलर टेक्स्ट को कलर फिल करना है। जैसा कि इसमें बहुत सारा कलर दिया हुआ है, तो जो कलर सेटेबल लगता है वही कलर इसमें मैं फिल करूँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कलर इसमें दिया हुआ है, तो जो भी कलर इसमें अच्छा लगता है वो कलर इसमें हम फिल कर सकते हैं। तो ये वाला कलर इसमें फिल कर देता हूँ, ये वाला। उसके बाद पॉपुलर में जो है
पॉपुलर में जो है रेड कलर फिल कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने जो है इसमें रेड कलर फिल कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरा हो चुका है। अब इसमें शेप्स लेना है। सबसे पहले इसमें कलर फिल कर देते हैं कौन सा कलर मुझे लेना है। तो इसमें ब्लैक कलर लेना है, तो इस तरीके से मैं इसमें ब्लैक कलर ले लिया। उसके बाद इसको थोड़ा खींच देना है, खींच करके इसको बड़ा कर देना है। इस तरह से मैं इसको बड़ा कर दिया। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये लाइन जो है लगभग ठीक बैठा है। उसके बाद फिर जो है हमको नया टेक्स लेना है। इस तरीके से मैं अब नया टेक्स लेता हूँ। जैसा कि मेरा वेबसाइट का यूआरएल का नाम है dnkbpopular.blogspot.com। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से ये मेरा क्या है यूआरएल है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट को चेंज कर देना है। इसका फ़ॉन्ट को मैं एरियल रख देता हूँ। उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देना है। जैसा कि इसमें बहुत सारा कलर है तो इसमें मैं ब्लैक रख देता हूँ। अब इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके साइज को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। थोड़ा सा साइज को छोटा कर देता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ये लोगो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये मेरा लोगो सेव हो चुका है। अब मैं इसे गैलरी को ओपन कर देखता हूँ कि मेरा लोगो सेव हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा जो है लोगो जो है सेव हो चुका है। अब मैं इसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट में अपलोड करूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर। सबसे पहले मैं अपने ईमेल आईडी से लॉगिन होता हूं। उसके बाद सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा जो है लोगो मेरे वेबसाइट पर किस तरह का लोगो लगा हुआ है। व्यूज ब्लॉग पर क्लिक कर इसे देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्यूल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे वेबसाइट पर जो है लोगो ये वाला लोगो लगा हुआ है। तो अब मुझे इस लोगो को चेंज करना है। तो इसके लिए लेआउट सेक्शन पर चलता हूँ।
उसके बाद इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हेडर लोगो, हेडर एड्स, मोबाइल लोगो। तो इसमें हम मोबाइल लोगो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेंसिल का आइकन है, इसी पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा जो वहाँ पर लोगो दिख रहा था वही लोगो यहाँ पर दिख रहा है। तो अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो रिमूव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इस तरीके से मेरा जो इमेज है वो रिमूव हो चुका है। अब मैं इसमें नया लोगो जो है ऐड करूँगा। तो इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद फाइल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये इमेज जो है मेरा गैलरी में सेव है, इसीलिए मैं गैलरी को ओपन करता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यही वाला मेरा लोगो था, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा लोगो जो है अपलोड हो चुका है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। इस तरीके से मेरा लोगो जो है सेव हो चुका है। अब मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर इसे देखता हूँ कि मेरा लोगो जो है अपलोड हुआ है कि नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा लोगो जो है अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपना लोगो तैयार कर सकते हैं और इसे अपलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।